हेलो दोस्तों, सक्सेस का रास्ता पहाड़ पर चढ़ने की तरह होता है। जहां सक्सेस सबसे ऊपर की चोटी पर होती है, शुरुआत में आपको लगेगा कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। हो सकता है कि आप एक कदम भी ना उठाना चाहें और हार मान लें। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पड़ाव पर फोकस करते हैं तो आपकी बॉडी को इस वर्कआउट की आदत हो जाएगी और आप बहुत जल्द ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने टीम मेंबर्स को सोच समझकर चुनना कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये भी सीखेंगे कि टीम में शांति और सहयोग कैसे मेंटेन करें। आप इस बारे में भी जानेंगे कि जितनी आपसे उम्मीद की जा रही है, आपको उससे ज्यादा क्यों करना चाहिए। भले ही उस एक्स्ट्रा काम के लिए आपको कोई पैसा ना मिले, कुछ एक्स्ट्रा करने से आपकी लाइफ बदल सकती है। यह समरी आपको सिखाएगी कि सक्सेसफुल लोग दूसरों के रास्ता दिखाने का इंतजार क्यों नहीं करते, इसके बजाय वो खुद पहल करके उन पर काम करते हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अचीव करना है। यह समरी आपको सिखाएगी कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी टीम के मेंबर्स को अपने साथ बनाए रखने और खुशी से काम करने के लिए प्रेरित करें। आप यह भी जानेंगे कि आपकी लाइफ के हर मुश्किल, हार और रुकावट को क्यों एक जीत की तरह देखना चाहिए। आखिर में आप सीखेंगे कि अपने क्रिएटिव विजन को कैसे अनलॉक करें और इंस्पायर हों। आप जानेंगे कि रुकावटों का सामना करते वक्त एक ब्रिलियंट माइंड कैसे काम करता है। आप अपने माइंड को बदलने और उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। कीज टू सक्सेस नेपोलियन हिल की एक क्लासिक बुक है। इसमें उन्होंने आपके छुपे हुए पोटेंशियल को ढूंढने में मदद करने के लिए पर्सनल अचीवमेंट के 17 प्रिंसिपल्स पर बात की है। एक ब्रिलियंट दिमाग कैसे काम करता है, ये जानकार आप हर सिचुएशन में जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को। चैप्टर 1, एस्टैब्लिश अ मास्टरमाइंड अलायंस। कोई भी माइंड अपने आप में पूरा नहीं होता है। पास्ट में सक्सेसफुल लोगों ने सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी सक्सेस को और बढ़ाया है। अगर दो या दो से ज्यादा माइंड एक ही गोल पर काम करें तो एक मास्टरमाइंड जोड़ी बना सकते हैं। सेम विजन वाले लोगों के साथ काम करने से आप उनकी नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल इस तरह कर पाएंगे जैसे कि वो आपके अपने हों। सबसे पहले आपको खुद के साथ नाता जोड़ना सीखना होगा। दूसरों की जिम्मेदारी लेने से पहले आपको खुद को संभालना होगा। अपने उस साइड से दोस्ती करने की कोशिश जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता है। अपने लिए टाइम निकालें और अपनी ताकत और कमजोरियों को जाने। अपने स्किल्स को डेवलप करें और प्राइमरी गोल पर फोकस करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, आपको अपनी शादी और एजुकेशन में भी नाता जोड़ना होगा। घर में खुशी की कमी आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को अफेक्ट करती है। अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें और उनके साथ अपने गोल्स के बारे में बात करें। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कैसे एक मजबूत सहारे की तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं या आपने कितना अचीव किया है। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है। आपको दुनिया की नॉलेज के साथ नाता जोड़ने की जरूरत है। रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें। ऐसा मटेरियल पढ़ें जो आपके माइंड को ग्रो करने में मदद करे। तीसरा, आपको दूसरों के साथ भी नाता जोड़ना होगा। अपने विजन को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें ताकि लोग आपके साथ कोऑपरेट करें। इससे यह पक्का होगा कि हर कोई एक ही पेज पर है, यानी एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। इसलिए एक अच्छा प्लान बनाएं, अपने एंड गोल के बारे में लिखें और बताएं कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे। अगर आप एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस पर अच्छे से रिसर्च की गई है और सभी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है, तो आपकी टीम आप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कर पाएगी। आपको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सही लोगों को ढूंढना होगा। पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग करें,
उनके पर्सनल गोल्स को जानें और देखें कि वो आपके गोल्स से मिलते हैं या नहीं। उनके हर डाउट के बारे में पूछें। अपने डिसीजन को उन्हें बताएं। उन रिवॉर्ड को डिस्कस करें जो आप उनके काम के बदले में उन्हें देंगे। इसके बारे में स्पेसिफिक रहें ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। सबके साथ फेयर रहें। इसके बाद गोल के प्रोग्रेस पर एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए अपने साथियों या पार्टनर्स के साथ रेगुलरली मीटिंग करें। मीटिंग के लिए एक रेगुलर टाइम और जगह रखें। यह आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करने और पार्टनरशिप में करीबी रिश्ता बनाने में मदद करता है। आपने जो रिश्ते या पार्टनरशिप बनाए हैं उसे मेंटेन करना सीखना होगा। अगर आपकी टीम को आपके प्लान पर भरोसा है तो वो आपके साथ काम करती रहेगी। इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी को बखूबी निभाना होगा। दूसरे लोग आपके काम से इंस्पायर होंगे और आपके गोल्स पर ज्यादा विश्वास करेंगे। ग्रुप के हर मेंबर के स्किल्स को समझें। अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट्स को हायर करना होगा। किसी भी फैसले लेने के प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए हर इंसान को कोर प्रॉब्लम को समझना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपनी टीम में न्याय और बिना किसी भेदभाव का माहौल बनाएं। किसी को भी दूसरों के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए और सभी को नैतिक तरीके से काम करना होगा। आपके पार्टनर या टीम या साथियों में रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपटने की हिम्मत होनी चाहिए। रुकावटों का सामना करते वक्त मजबूत और डटे रहने के लिए आपको उनके कॉन्फिडेंस और स्किल्स को डेवलप करते रहना होगा। चैप्टर 2, गो द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल माइंड का एक स्टेट है जिसे आपको डेवलप करना है और अपने हर काम में अप्लाई करना है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि आपसे जितनी उम्मीद की जा रही है या जितने की जरूरत है उससे ज्यादा कर जाना। आपका एक्स्ट्रा एफर्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप अपने काम में जितना एफर्ट डालते हैं आपको उतना ही ज्यादा आउटपुट मिलेगा। आपको जितना पैसा दिया जाता है उससे ज्यादा करने से आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, जो आपको औरों से हटकर भी दिखाएगा। ये आपको ऐसा बना देगा कि ऑफिस में कोई भी आपकी जगह नहीं ले पाएगा। एडवर्ड सी बांस एक डिटर्मिंड यानी धुन के पक्के इंसान थे। वह एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। एडिसन ने कभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की थी। जब बार्न्स एडिसन के ऑफिस में बिना बताए पहुंच गए तो वहां काम करने वाले लोगों ने उनके खराब अपीयरेंस और उनके एम्बिशन का मजाक उड़ाया। बार्न्स एडिसन से किसी भी हालत में मिलना चाहते थे। आखिर में उन्हें एक इंटरव्यू देने का मौका मिला और एक असिस्टेंट की जॉब मिल गई। बार्न्स ने सालों तक मशीनों की सफाई की और उन्हें रिपेयर किया। एडिसन ने बार्न्स की लगन को नोटिस किया, लेकिन यह उन्हें एक बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए काफी नहीं था। एक दिन बार्न्स ने सेल्स टीम की बातचीत सुनी। वो एडिसन के नए इन्वेंशन डिक्टाफोन के बारे में बातें कर रहे थे। डिक्टाफोन वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड कर सकता था। इसका मतलब उसमें सेक्रेटरी के काम की जगह करने का पोटेंशियल था। सेल्स टीम का मानना था कि कोई भी उनका डिक्टाफोन फोन नहीं खरीदेगा। बार्न्स ने इस मौके को नोटिस किया और इस इन्वेंशन को बेचने के लिए आगे आए। बार्न्स ने पूरे एक महीने तक न्यूयॉर्क में डिक्टाफोन का प्रमोशन किया। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे थे और वे असिस्टेंट की सैलरी पर ही काम कर रहे थे। महीने के आखिर तक बार्न्स ने 7 मशीनें बेची थीं। जब बार्न्स ऑफिस लौटे तो डिक्टाफोन की सेल को पूरे देश में बढ़ाने के लिए उनके पास कई आइडियाज थे। एडिसन उनके काम से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। बार्न्स एडिसन के पूरे करियर के पहले और इकलौते पार्टनर थे। एडिसन के हजारों स्टाफ मेंबर्स थे, लेकिन बार्न्स उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बार्न्स ने एडिसन के आइडिया में विश्वास दिखाया और उस विश्वास को एक्शन में बदला। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट या सैलरी नहीं मांगी। बार्न्स ने वह काम किया जो एक असिस्टेंट के काम से काफी ऊपर था। उनसे जो उम्मीद की जा रही थी उन्होंने उससे कहीं बढ़कर काम किया था और इस वजह से आखिर में इसके लिए उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवार्ड मिला।
जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो फायदा पाने के लिए गलत सोच ना रखें, बल्कि लालच ना रखते हुए नेक इरादों के साथ एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करें। चैप्टर 3, क्रिएट पर्सनल इनिशिएटिव। कुछ लोग सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है, कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए बहुत कुछ कर जाते हैं। इस तरह के लोग जो पर्सनल इनिशिएटिव यानी पहल करते हैं, उन्हें सक्सेस मिलती है। हेनरी कैसर एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यादा शिप यानी जहाजों की जरूरत थी। हेनरी को शिप बनाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाने और उस पर अमल करने की पहल की। हेनरी ने छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। उन्होंने एक फिक्स डेट पर ट्रेन भरकर स्टील को शिपयार्ड तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया। हेनरी ने यह पक्का किया कि रेलवे को इस डिलीवरी के बारे में पता हो, ताकि इसमें जरा भी देर न हो। उन्होंने स्टील मिल में यह पक्का करने के लिए एक टीम भी भेजी कि स्टील मिल समय पर उन्हें स्टील बनाकर डिलीवर कर पाएगा या नहीं। उन्होंने अपनी टीम को शिपमेंट के साथ ट्रेवल करने के लिए भी कहा। उनका पर्सनल इनिशिएटिव दूसरों पर असर कर रहा था। हर कोई जानता था कि हेनरी उनसे क्या उम्मीद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेकर अपने अपने रोल को बखूबी निभाया। आखिर में हेनरी कैसर का प्लान सक्सेसफुल हुआ। आज उन्हें मॉडर्न अमेरिकन शिप बिल्डिंग का फादर कहा जाता है। जब दूसरे फेल हो जाते हैं तो पर्सनल इनिशिएटिव लेना आपको सक्सेसफुल बनाता है। यह कहानी बताती है कि आपको अपने प्लान्स को अमल में लाने के लिए किसी बाहरी फोर्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई मौका दिखता है तो अपने एक्शन प्लान बनाना शुरू करें। कुछ ना करने से बेहतर है उस प्लान पर काम करना जो प्रोग्रेस में है। अपने बॉस खुद बने, दूसरों के इंस्ट्रक्शन का इंतजार न करें। छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं और हर दिन अपने गोल की ओर बढ़े। जल्द ही आपके छोटे छोटे एफर्ट से आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। चैप्टर 4, एनफोर्स सेल्फ डिसिप्लिन। आपका माइंड पोटेंशियल का पावर हाउस है। आपको ये सीखना होगा कि उस पावर को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने इनिशिएटिव पर काम करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने माइंड पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपको मिल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन में खुद के बारे में नॉलेज होना और आपके स्किल्स को परखने की एबिलिटी आती है। कुछ लोग अपनी लाइफ को सिर्फ किसी वजह के हिसाब से कंट्रोल करते हैं और इमोशन को हर डिसीजन से दूर रखते हैं। कुछ लोग इमोशनल फैसले लेते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आपको इमोशंस के साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग को बैलेंस करना सीखना होगा। यह आपको दूसरों के साथ प्यार से पेश आने और फैसले लेने लायक बनाएगा। ज्यादातर लोग पहले काम करते हैं और फिर सोचते हैं। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होगा कि किसी भी चीज के नतीजे के बारे में सोचने के बाद ही कोई फैसला ले। लालच, डर, जलन और नफरत जैसे नेगेटिव इमोशंस खतरनाक हैं और आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। अपने माइंड को डिसिप्लिन करने का एक आसान तरीका यह है कि आप अपने दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत में आपको यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से यह धीरे धीरे आसान हो जाएगा। जब आप पावरफुल लोगों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर आपके माइंड में एक अमीर इंसान की इमेज आती है, लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक अमीर नहीं थे। महात्मा गांधी एक भारतीय लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया। गांधी के पास घर नहीं था, वो सिंपल सूती कपड़े पहनते थे और सादा खाना खाते थे। उनके मन में एक क्लियर गोल था, वह भारत के लोगों की आजादी चाहते थे। गांधी जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने लाखों लोगों को साथ जोड़ा जो वफादार और पक्के इरादों वाले थे। गांधी जी चाहते तो ऐसे हालत का अपने स्वार्थ के लिए नाजायज फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उन्होंने मरते दम तक डिसिप्लिन के सिंपल लाइफस्टाइल को बनाए रखा।
इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने एम्बिशन और इमोशन को सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। फालतू के डिस्ट्रैक्शन जैसे शोहरत की भूख आपको अपने असली गोल से भटका देते हैं, इसलिए एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें जो आपके पर्पस को पूरा करने में आपकी मदद करे। हर स्टेप को पूरा टाइम और एनर्जी दें। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको ग्रो करने में मदद करता है। इसकी बदौलत आखिर में आप सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे।